गिरेबा ऊंची किए, गिरेबा ऊंची किए तमाम जिंदगी, ना जाने जिया वो किस शान में, किस शान में गिरेबा ऊंची किए तमाम जिंदगी, ना जाने जिया वो किस शान में, और मिट्टी ही मिट्टी नजर आई मुझे हर तरफ कब्रिस्तान में। क्या बात है, ये मिट्टी का, अब तू शमशान की मिट्टी ला और कब्रिस्तान की मिट्टी ला और दोनों मिला के बता दे मुझे कि यार ये तो हिंदू की मिट्टी है और ये मुसलमान की मिट्टी है। अरे कहा 80-80 साल के 100-100 साल के बैठे हुए, लेकिन उनको अपनी घर चलाना तो नफरत बांट रहे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ, जब हिंदुस्तान से लौट और वहीं मर गया काबुल में, काबुल में ही मर गया और वहीं उसकी कब्र जो है या वो उनका वो जो भी था, हाँ, उसको वहीं गाड़ा गया ग्रेवयार्ड में, हाँ, ग्रेवयार्ड में। उसकी माँ ढूंढती ढूंढती ग्रीस से आई उसको, अच्छा, और पूछा अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर चिल्लाने लगी। तो वहाँ जो कब्रिस्तान का बॉसमैन था, इंचार्ज था, उसने कहा किसको पूछ रही हो, अरे मेरा बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने पूरी दुनिया को जीता था, उसकी उसका वो ग्रेव कौन सी है, कब्र कौन सी है। उसने एक ही सेंटेंस कहा, माता जी जिस शब्दों में कहा होगा, यहाँ तो कई अलेक्जेंडर गड़े हुए हैं, यहाँ तो कई अलेक्जेंडर है, उसमें राजा मंत्री सिपाही होता है, अलग अलग पावर होता है ना, पर जब खेल खत्म हो जाता है एक ही डिब्बे में डालो से। मस्जिद की मीनारें फूलती हैं मंदिर के कंगूरे से, हो सके तो बचा ले देश को मजहब के गद्दारों से। क्या बात है, क्या बात है। शंख हो वो मंदिर का कोई शंख, अच्छा, शंख शंख हो वो मंदिर का कोई या मस्जिद की अजान, कितनी जगह पर जिंदा है अपना हिंदुस्तान, कितनी जगह पर जिंदा है अपना हिंदुस्तान। अरे हर धर्म की कदर कर, हर संप्रदाय का आदर कर। सत्यप्रकाश जी कुछ भी नहीं है, अब आप दो लाइनें गीत की सुना के वो सुन लो आप, कह रहा है कि शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, मैंने कदमों पे रख दी है जान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, मैंने कदमों पे रख दी है जान ले, बेकदर बेखबर मान जा जिद न कर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। अरे वाह, तो इश्क में डूब जाओ एक दूसरे के और आजमाओ मत ज्यादा, आजमाने की सर। पर आप इसलिए गलत हो, धर्म में कुछ नहीं लगता, पुलिस नहीं, एंटी करप्शन नहीं, मैं धर्मगुरु बनूं तो पैसा ही पैसा है, सबसे अच्छा उद्योग है, उसको बंद मत क्या करो आप सर, ये रोजगार दिलाता है, रोटियां सिख रही है लोगों की, रोटियां सिख रही है उद्योग का, बंद मत कर, एक ही उद्योग है जो चल रहा है अभी, सही चल रहा है एक ही उद्योग, हींग लगे ना फिट करी और रंग के भाई, हींग लगे ना फिट करी और हनी प्रीत मिल जाए, और हनी प्रीत मिल जाए। पानी और हवा, तो हमने इस हवा और पानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि फ्री में मिल गए मम्मी पापा, फ्री में मिल गए उनका अपन अनादर कर रहे हैं, तो जो जो चीज फ्री में मिली ना दुनिया में उसका बड़ा अनादर किया। तो पानी पर मैं दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ और तरन्नुम में सुनाऊंगा साहब, क्या कह रहा है वो, ये जो पानी है जिंदगानी है, ये जो पानी है जिंदगानी है,
बचाया करो इसे ना जाया करो इसे, बचाया करो इसे ना जाया करो इसे, अपनी जमीन पे ये चीज आसमानी है, ये जो पानी है जिंदगानी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है आसमान जहाँ से पानी आता है। सही कह रहे हैं। तो ये जो जमीन पर जो पानी आ रहा है ये आसमानी चीज है, इसकी कदर करनी। बिल्कुल सही है। साहब कैसे व्यूज है? अरे बहुत ही सुंदर, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है सर, कि जिसकी जितनी हो औकात, जिससे जिसकी जितनी होगा जितनी हो औकात उससे उतनी बात किया, क्या बात है, बहुत ऊंची बात किया करो, उससे उतनी बात किया करो। और नीम के पेड़ से ना अंगूर की आस किया, जिसकी जितनी है उतनी बात किया, समझ में नहीं आ रहा है जिसकी जितनी हो औकात कर रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो तू ऊपर से निकल रही है एनर्जी वेस्ट क्यों कर और इस नियम पर हिसाब। मुझे एक शेर और याद आ गया कि बुरा समय था तो मैं नमस्कार करता सलाम करता तो वो जवाब भी ना देते, तो वॉक कर रहा है ये भी वॉक है, रोल कर रहा है, वॉक कर रहा है, मोटराइज़ है, वो रिमोट आते हैं ना, पहली बार देखा नहीं।